पूरे भारत में एक खूबसूरत शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि शादी में कुछ नया और अनोखा हुआ है। इस शादी में करनाल में ना दूल्हा मौजूद था और ना ही दुल्हन। अब आप सोच रहे होंगे कि दूल्हा दुल्हन उपस्थित ही नहीं थे, तो शादी आखिर हुई तो कैसे हुई? हम आपको बताएं। जी हाँ, दूल्हा और दुल्हन दोनों ने सात समंदर पार यूएसए में फेरे लिए। वहाँ पर जमकर नाच गाना हुआ और परिवार के लोग करनाल में थे। बारात सोनीपत से करनाल आई और यहाँ टीवी स्क्रीन पर यूएसए से सब जुड़ गया। टीका हुआ, लगन भी हुआ, सभी रस्में हुई और टीवी स्क्रीन पर ही आशीर्वाद भी दिया गया। करनाल की रहने वाली आशु और सोनीपत का रहने वाला अमित शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। दोनों ने हरियाणवी रीति रिवाज को जिंदा रखा और मिसाल भी कायम की। साथ ही साथ वो औरों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा भी बने। सगाई से लेकर विवाह की सारी रस्में हरियाणा में टीवी स्क्रीन पर देखी गई। दोनों की शादी 19 मार्च को हुई। दोनों यूएसए में थे और वहीं पर शादी की सारी रस्में भी अदा हुई। दोनों ने ही शादी करने का फैसला किया और परिवार की सहमति से 19 मार्च को शादी कर ली। उससे पहले सोनीपत में एक निजी बैंकेट में दूल्हे के परिजनों ने टीका और सगाई का कार्यक्रम रखा, जहां पर दुल्हन का परिवार पहुंचा और दूल्हे को स्क्रीन पर ही टीका किया गया। दूल्हा दुल्हन दोनों ही यूएसए में रहते हैं। उधर परिजनों ने बताया कि दुल्हन के परिवार के रिश्तेदार भी यूएसए में रहते हैं। उन्होंने यूएसए में दूल्हे अमित को हल्दी प्रक्रिया से लेकर फेरों की प्रक्रिया, परंपरागत रीति रिवाजों के साथ फेरे करवाए और विवाह के बंधन में बंधे जोड़े को बाद में रिसेप्शन पर ऑनलाइन स्क्रीन के जरिए ही रिश्तेदारों और दूल्हा दुल्हन के परिजनों ने बारात में कार्यक्रम के दौरान आशीर्वाद भी दिया। जहां एक तरफ विदेशी जमीन पर दुल्हा दुल्हन एक साथ हैं, तो वहीं हरियाणा में परिजनों ने सारे रीति रिवाज ऑनलाइन तरीके से स्क्रीन के जरिए किए। परिवार में खुशी का माहौल है, ऐसा पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जब दूल्हा दुल्हन विदेश में परंपरागत रीति रिवाजों को निभा रहे हों और विदेशी जमीन पर फेरे ले रहे हों, वहीं हरियाणा में टीवी स्क्रीन के जरिए दूल्हा दुल्हन के परिवार के सदस्य ऑनलाइन आशीर्वाद दे रहे हों। पहली बार ऐसा हुआ है कि दूल्हे के बिना ही बारात आई और बिना दुल्हन के ही बारात घर वापस लौट आई, लेकिन दोनों परिवारों में खुशी की लहर है कि उनके दोनों बच्चे विदेशी जमीन पर रहने के बावजूद भी हरियाणवी परंपरागत रीति रिवाजों को सजो कर रखे हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता में रहने के बावजूद भी माटी के परंपरागत रीति रिवाज को जीवित रखा गया। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज 18 हरियाणा।